हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामाइट गेमर्स। मैं साका डायनामाइट आपका भाई आज लेके आया हूँ वेयर टू डिग 9 दिसंबर। 9 तारीख को कहाँ पे करेंगे जेसीबी की खुदाई, जिससे आपको मिलेगा खजाना और उसमें निकलेंगे 2 इलाइट बैचेस एंड 24 घंटे के लिए टेम्परेरी ड्रेस। तो गाइस, जो लोग नॉन इलाइट हैं उनको बहुत फायदा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि उनको इलाइट ड्रेसेस शो ऑफ करने के लिए मिल जाती हैं। तो गाइस, पेट बॉक्स भी आया है, जिसके पास पेट्स नहीं है वो ये 10 रुपये डायमंड में खोल के निकाल सकता है काफ़ी पेट्स। पोलर बेयर अभी तक है एंड काफ़ी 50% डिस्काउंट आया है साइबर्ग जो डायमंड रॉयल है उस पर। तो जिसको स्पिन करना है कर ले, इससे लेवल अप भी होते हैं, लेवल अप कार्ड भी मिलता है डायमंड रॉयल स्पिन से, तो आपका लेवल अप भी होता है, कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं जाती हैं। तो जिसको जो करना है कर लो, इधर ही मैं खड़ा हूँ पकड़ लो। तो गाइस, आज बात करेंगे हम इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों की, जैसे कुछ नए अपडेट भी आ रहे हैं जिसका कि गेम के अंदर रह गया। तो गाइस, जिसने अभी तक जोसेफ नहीं लिया है, 40 रुपये का कोडा शॉप अपनी आईडी पे कर लो, आपको जोसेफ भी मिल रहा है क्योंकि वो अभी भी टॉप अप इवेंट में चल रहा है। तो आज की लोकेशन, ये मैप हमने खोल लिया है इलाइट पास में। तो ये लोकेशन आपको कहाँ की लग रही है, वीडियो पॉज करके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। फिलहाल ये लोकेशन मेरे को भी केप टाउन के पास की लगी थी। तो आज की हमारी वीडियो के हीरो नहीं है, आज के हमारे वीडियो में हीरोइन है, जिन्होंने हमें इस लोकेशन के बारे में बताया है। उनका नाम है कैटी बरार, जो हो गई फरार। तो गाइज, ये है हमारे वीडियो की हीरोइन। तो अब आपको हम बताते हैं आगे कि क्या मतलब कहाँ पे हमको जाना है एंड कहाँ पे हमको स्पेसिफिक प्लेस पे खुदाई करनी है। तो गाइज, पहले हम लोग थोड़ा सा अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल है, अपडेट आ रहा है, उसमें 3 न्यू अटैचमेंट आ रहे हैं गाइज, 3 न्यू अटैचमेंट हैं। एंड उन अटैचमेंट के बारे में अगर हम पर्सनली बात करेंगे तो एक अलग पर्सनली वीडियो आपको बना के दे देंगे। बट मैं आपको ये बता दूं, ब्लीडिंग बुलेट्स लाइक क्रॉसबो की तरह, जैसे क्रॉसबो डैमेज देता रहता है वैसे ब्लीडिंग बुलेट्स आ रही हैं। और आपको बता दूं, एक बायोमेट्रिक स्कोप आ रहा है एंड एक रेज स्कोर आ रही है। तो ये कुल मिला के वो जो लॉरा की एबिलिटी, लॉरा ट्रेंड में आने वाली है, लॉरा कैरेक्टर ट्रेंड में आने वाली है, वीएसएस गन ट्रेंड में आने वाली है। एंड बायोमेट्रिक जो है वो कार 98K पे लगेगा, तो कार 98K भी ट्रेंड में आने वाली है। तो फिलहाल वीएसएस से खेलना शुरू कर दो लॉरा के साथ, क्योंकि लॉरा की एक्यूरेसी भी अच्छी है। बायोमेट्रिक असिस्ट करेगा, एम असिस्ट करेगा 25%। एंड जो हमारा ये VSS के लिए जो मैंने बोला, तो उसके लिए आ रही हैं ब्लीडिंग बुलेट्स, जो कि थोड़ी थोड़ी देर तक डैमेज निकालती रहेंगी। अब VSS भी वैसे ही काम किया करिए, 3 सेकंड तक 7-7 का डैमेज जाता रहेगा, मतलब 21 का डैमेज जाता रहेगा। तो गाइज, ये होगा हमारा थोड़ा अपडेट से रिलेटेड। साथ में आपको बता दूं, अब जो हमारे कैरेक्टर्स होते थे, तो हमें 4th स्किल स्लॉट भी देखने को मिलेगा। 11 तारीख को अपडेट आ रहा है, 4th स्किल स्लॉट भी देखने को मिलेगा। एंड जो हमारी एबिलिटीज़, जो हम लोग लेवल अप करते थे प्लेयर्स को, तो ज़्यादा गोल्ड एंड ज़्यादा डायमंड लगता था, अब वो उसका जस्ट आधा लगा करेगा। तो आगे से जो हमारे लेवल अप हुआ करेंगे, ईजी हुआ करेंगे, बट टफ भी होगा, क्योंकि अब हमें डेली लिमिट कर दी गई है, 250 फ्रेगमेंट ही हमें मिला करेंगे कैरेक्टर के। जो जो एबिलिटी हमारे पास लगी हैं, 250 फ्रेगमेंट ही हम लोग कलेक्ट कर पाया करेंगे, उससे ऊपर नहीं कर पाया करेंगे। डेली के हर मैच के 3 से 4 फ्रेगमेंट मिला करेंगे। तो अब मैच की क्वांटिटी है और 250 फ्रेगमेंट मैक्सिमम कर दिए गए हैं। तो अब आपके खेलने के ऊपर है, आप कितना खेलते हैं उस हिसाब से आपको फ्रेगमेंट मिला करेंगे, या डायमंड रॉयल स्पिन वगैरह से अगर आपको फ्रेगमेंट मिलते हैं, अगर आप ज़्यादा मारते हैं तभी आपका लेवल अप ईजी हुआ करेगा। नहीं तो अब तो लेवल अप कार्ड है, तो इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, ईजिली हो जाएगा, क्योंकि लेवल 4 के कार्ड सबके पास पड़े रहते हैं। तो गाइज, आपने देखा इसमें लोकेशन जहाँ पे मैंने अभी खुदाई कर दी, यार अपडेट के चक्कर में मैं भूल गया। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि अभी मैंने जहाँ पे खुदाई की वहाँ पे 3 बंदे आए थे, टीम अप करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने संदूक अपना खुद के निकाल लिया, मैंने सोचा हेल्प कर देता हूँ, मुक्का चलाया कि भाई यहाँ पे है, तो उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया, तो भाई मेरे को भागना पड़ा। अब आपको अगर गेम प्ले देखना हो, आप लोग हमेशा से बोलते हो कि साका भाई यार मोबाइल का गेम प्ले आपका, मोबाइल से खेलो, तो ये पूरा जो भी मैं खेल रहा हूँ इस गेम में मोबाइल से ही खेल रहा हूँ। तो यार लाइक कर दो, एक बार फिर से शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। तो आज के जो मैजिकल वर्ड्स हैं गाइज, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के मैजिकल वर्ड्स हैं लॉन्ग द लश्कारा, आज के 3 मैजिकल वर्ड्स हैं लॉन्ग द लश्कारा, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो के हीरोइन जो कि हैं कैटी एंड वीडियो के 3 मैजिकल वर्ड्स जो कि हैं लॉन्ग द लश्कारा जानने को मिल गए। अपडेट के बारे में थोड़ा जानने को मिल गया है, डायमंड रॉयल स्पिन 50% हो गई है ये जानने को मिल गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल गई हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। तो आप लोग ऐसे ही हमारे डेली के वीडियोस देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो एंड बेल को दबा दो, ऑल कर दो। भाई आपसे एक और चीज़ कहनी है, आप लोग गेम के अंदर शो ऑफ मारोगे कि यार ये लोकेशन है, यार वो लोकेशन है, तो प्लीज़ यार आप लोग गेम के अंदर रौला मारो, बट आप साथ में ये वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, क्योंकि जब ग्रो होगा इंडिया तभी तो मतलब पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसीलिए जब देखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई बढ़ेगा तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाला है। तो यार प्लीज़ शेयर करते रहा करो। चलो कोई नहीं, अब आप लोग आगे मोबाइल का गेम प्ले है, जिसको एंजॉय करना है कर लो, मोबाइल से देख लो कितना लैग होता है मेरा। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, आप लोग देखो, बाय बाय, टेक केयर, बी डायनामाइट, बी भूया, आग लगा दो, खतरा खतरा डायनामाइट।
Thank you.